Life of a mediocre people or average people, again you are 100% responsible. If you are living a life of rich people or lavish people, then again you are 100% responsible. But generally, हम क्या करते हैं? We try to play the game, a blame game. We blame external circumstances. We blame our boss, our friends, our colleagues, family members, near dear. But nobody is responsible. आज आप जहाँ पर भी जैसे भी हैं, आप अपने choice, अपने attitude और अपने commitment की वजह से Nobody is responsible for that. We are the ultimate result of our choice and our commitment. पर कर क्या सकते हैं यहाँ पर? जब आप 100% सेल्फ कमिटमेंट लेते हैं, मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ. जब 100% आप सेल्फ कमिटमेंट लेते हैं ना, तो आप अपनी लाइफ का 100% चार्ज लेना शुरू कर देते हैं, 100% चार्ज. और जो आप कमिटमेंट लेते हैं वो कमिटमेंट आपको दरअसल रिनोवेट करता है, आपके अंदर एक नए वर्जन को इंस्पायर करता है और आपके प्रेजेंट वर्जन को किल कर देता है, एलिमिनेट कर देता है. इच्छा शक्ति, पागलपन, जुनून, कमिटमेंट ये किसी मॉल के विंडो डिस्प्ले पे नहीं लगा, ना ही किसी दुकान के शेल्फ पे कि आप जाकर बोल दो कि भाई 2 कमिटमेंट पैक कर दो, थोड़ा सा 50 ग्राम इच्छा शक्ति दे दो, थोड़ा सा 100 ग्राम जुनून मेरे लिए पैक कर दो. नहीं, ये अंदर से आता है. हमारे पास हमेशा से चॉइस है, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने, कुछ बड़ा करने, कुछ छोटा करने की, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करने की भी चॉइस हमारे पास है. पर सिर्फ चॉइस से कुछ नहीं होगा. वी नीड टू फोकस ऑन CCACR. लेट मी टेल यू क्या है. C इज द चॉइस, अगेन C इज द कमिटमेंट, A इज द एक्ट, अगेन C इज द कंसिस्टेंसी एंड फाइनली R इज द रिजल्ट. हर साल लोग न्यू ईयर में बहुत सारा रिजोल्यूशन लेते हैं कि यार मेरे को फिट रहना है, मेरे को जिम जाना है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, या फिर मुझे कोई नई हैबिट को इम्प्लीमेंट करना है, किसी बुरी हैबिट को मेरे को छोड़ना है. चॉइस किया, कमिटमेंट लिया. कुछ लोग आकर रुक जाते हैं एक्ट करने पर, एक्शन नहीं लेते. और अगर किसी ने एक्ट किया तो वो कंसिस्टेंसी का फ्रिक्वेंसी मिसिंग होता और फाइनली क्या होता, रिजल्ट नहीं. जो सफल लोग हैं उनको भी कमिटमेंट लेने को अच्छा नहीं लगता, जो असफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता कमिटमेंट लेने को, सफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता सुबह जल्दी उठने को, असफल व्यक्ति को भी नहीं लगता, सफल व्यक्ति को भी रीडिंग हैबिट पालने को अच्छा नहीं लगता, असफल व्यक्ति को भी अच्छा नहीं लगता, सफल सेल्स प्रोफेशनल को भी फील्ड पर जाकर मल्टीपल प्रोस्पेक्टिंग करने का, अपने सेल्स फनल को भरने का अच्छा नहीं लगता. उसी तरह असफल सेल्स प्रोफेशनल को भी ये काम अच्छा नहीं लगता. लेकिन सफल प्रोफेशनल उस काम को करने का कमिटमेंट ले लेकर कमिटमेंट लेने की आदत डाल लेता और असफल प्रोफेशनल उस काम को ना करने का कमिटमेंट ले लेकर ना करने के कमिटमेंट की आदत डाल लेता है. अब सवाल यह उठता है कि कमिटमेंट को कैसे पावरफुल हम बनाए, इम्पैक्टफुल हम कैसे बनाए.